हजरत उमर फारूक अपनी रियाया की कब्र थी। जितनी रियाया थी, रात को उठकर कश करना, मदीना से बाहर तक चले जाना, इर्द गिर्द देखना, दुश्मन हमला करना आ जाए, जितनी उनकी रियाया थी, उनकी खबरगिरी करना, कोई तकलीफ में नहीं, कोई मुश्किल में नहीं, सारी रात अल्लाह की मखलूक की, मुसलमानों की, गैर मुसलमों की, जो आपकी रियाया में, उनकी देखभाल करें। एक रात मस्जिद नबवी से कुछ आगे एक तिजारती काफला, तिजारत की घर से जा रहे थे, हुआ सब के तुम्हारे फारूक मस्जिद नबवी से बाहर निकले, देखा तिजारती काफला रुका हुआ है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, आओ भाई आज रात इनकी पहरेदारी कर, कोई उनको कोई फुकरी ना। लिहाजा दोनों जय्यद सहाबी वजू किया, अपने मुसल्ले बिछाए, सारी रात इबादत भी करते रहे, अल्लाह से भी हम कलाम रहे और इधर देखभाल भी करते रहे। उनका जो काफले वालों का जो सरदार था वो आकर पूछने लगा, आप शरीयत से यहाँ पर हैं? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर है, तो बताना। जब दूसरा दिन हुआ, उस सालार को पता चला कि यही अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हैं, तो बड़ा मुतासिर हुआ और काफले वालों को कहने लगा, वाकई मुसलमान मुसलमान होते हैं, इनके जो कुर्ब-ओ-जवार में आ जाता है वो सलामती में आ जाता है, अमन में आ जाता है।